नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको इस क्विज टेस्ट को बहुत ध्यान से खेलना है और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर दो, अगस्त क्रांति जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉय बैंक के निर्देशक कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विद्या गोयल। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, द टॉय बैंक के टैग लाइन पूछा जाता है। द टॉय बैंक के टैग लाइन है, एक ऐसी दुनिया जहां सभी बच्चों को स्वस्थ खेलने के माध्यम से सशक्त करना। क्वेश्चन नंबर चार, 2020 के लिए किसे वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में चुना गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील देश में है। क्वेश्चन नंबर पांच, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर छह, कल्याणकारी राज्य के विचार संविधान में कहां निहित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर सेवन, पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सामान पर नया शुल्क क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 200%। क्वेश्चन नंबर आठ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राजधानी कहां है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नेपिटाव। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है?
भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 13। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि वर्ष 1930 में हुआ था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, किसने लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। अगला प्रश्न 17 नंबर, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? साफ कहें दासी अट्टम किस नृत्य को कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, यानी कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल हरियाणा स्टेट में आता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर यहां पे डी होगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय वित्त आयोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, किन राज्यों में गोल्डन फाइबर मुख्य रूप से उगाया जाता है? प्रश्न को एक बार सुने, गोल्डन फाइबर किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। क्वेश्चन नंबर 24, किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तक कारगिल के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दीपक सुराना। 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है?
इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। साथ ही आप अपना 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो के बारे में फीडबैक भी आप नीचे दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।